विरामक बाद एक फिर से स्वागत है चाहे सबके समाज पटना में बेर भरल गप सप के प्रस्तुत है गप सप। एखन हमरा संग पाटलिपुत्र जागरण अभियान समिति के अध्यक्ष श्री अनिल सुलभ जी, अपने एक अभियान चलेने छी बहुत पहिने से कि पटना के नाम पाटलिपुत्र राखल जाय। बीतल दिन पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो कहलखिन कि पटना के नाम पाटलिपुत्र राखल जाय, कतेक उत्साहित छी। पहिने तऽ हम ई कही जे ई कोनो नवका मांग नहि छै आ नहि ई भाजपा के मांग अछि, ई संपूर्ण प्रबुद्ध समाजक मांग अछि, पटना नगरवासी के संपूर्ण बिहारवासी के, कि पटना के नाम पाटलिपुत्र हेबाक चाही। एहि दुआरे कि पाटलिपुत्र नाम सँ बिहारक लोग के मन में प्राचीन जे गौरव गाथा छे से मोन पड़े, ओकर जे महिमा छे से प्रस्फुटित से होय छे। पाटलिपुत्र के रूप में ई नगर के जे विश्व ख्याति छले जे रहे, जै काल में ई पाटलिपुत्र नेतृत्व करे एतेक पैघ भूभाग के, जैमे आज के आजुक भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश 80% से ज्यादा बुझियो अफगानिस्तान, एहि बीच में जे सब आजाद देश कहल जाइए, ओ नेपाल होय वा भूटान होय सिंगापुर मलेशिया होय, ई सबक नेतृत्व एहिठाम से होय। आ पाटलिपुत्र केवल ये राजनैतिक केंद्र नहीं रहे, ये संपूर्ण विश्व में स्थापित ख्याति नाम, बौद्धिक केंद्र, दार्शनिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र, वैज्ञानिक केंद्र, पाटलिपुत्र के महिमा, पाटलिपुत्र के गौरव गाथा ये दू चार टा शब्द में नहीं कहल जा सकी है। तें जे बिहारक लोग मन मन में पटना पाटलिपुत्र के नागरिक सबक मन मन में ई भेले जे पटना के नाम पाटलिपुत्र है, तो कोनो गलत मांग नहीं रहे। हम कहे छी जे निखिल विश्व में जौन जौन शहर के जे शहर के नाम परिवर्तन भेले, ओहि सब में यही नगर के जे अंग्रेज में कहल जाइए मेरिट, सबसे ज्यादा सबसे पैघ रूप में पाटलिपुत्र के रही। सबटा के नाम परिवर्तन भ गेलै, विदेशों में कई देशक नाम परिवर्तन भेलै, कई नगरक नाम परिवर्तन भ गेलै, यही देश में अनेकटा नगरक नाम परिवर्तन भेलै, मुदा अखन धरि जेकर मांग सबसे प्रथम रहे आ सबसे जे मेरिट में रहे ओकर नाम परिवर्तन नहीं भेलै अखन धरि। शुद्ध राजनीतिक कारण छै। पाटलिपुत्र नाम करक लेल मुस्लिम समुदाय के लोग सब सेहो में एकर पक्षधर छै। पाटलिपुत्र जागरण अभियान समिति के हस्ताक्षर अभियान में पैघ संख्या में बड़ संख्या में मुसलमान लोग सेहो हिस्सा लेले, तो ई शुद्ध बुझू कि मानसिक अशुद्धता एकर कारण छै, एमे और कोनो दोसर कारण नहीं छै। पाटलिपुत्र एकटा संसद के नाम भ गेलै, और कईटा स्थानक नाम पाटलिपुत्र रहै। पाटलिपुत्र नाम के हम गौरव गाथा गबै छी, कोनो अबैए बाहर से तो हम कहै छी जे अहाँ के पाटलिपुत्र के गौरवशाली नगर में स्वागत है, और कहाँ है पाटलिपुत्र नगर, मनाइए उसको। पाटलिपुत्र को आप बनाएंगे तब कहिए कि हम पाटलिपुत्र में आपका स्वागत करते हैं। सारे जितने बड़े बड़ी हस्तियां मुख्यमंत्री जी हों तब, या आप दूसरे लोग हों, सबटा कहती है कि पाटलिपुत्र नगर में सबके स्वागत है। आप पाटलिपुत्र नगर के पता नहीं, तो पाटलिपुत्र नगर होबाक चाही। हम अहाँ के माध्यम से, अहाँ के चैनल सौभाग्य मिथिला के माध्यम से, हम जरूर कृतज्ञता ज्ञापित करे छी अडवाणी जी के सेहो
के वो मांग कैलन। हमर विचार हमर आग्रह नीतीश जी मानत आ यथाशीघ्र अविलंब करत पटना के नाम पाटलिपुत्र उनके हाथ में छन, उनके प्रस्ताव करके छन, कैबिनेट प्रस्ताव करके पठावत भारत सरकार में, अविलंब नाम भ जते, कोनो दिक्कत नहीं छी, केंद्र के तरफ से कोनो असुविधा नहीं छी। गपशप के बाद अब समय भ गेलै जाने के कतेक बदलल बिहार। भगा देलै बेईमान छै इंदिरा आवास चाहिए। नमस्कार, कतेक बदलल बिहार महासभक स्वागत है। हमरा पाछू में किछ छात्र सब है, हम हुनका सब से जाने छी कि बिहार कतेक बदलल। बदला नीतीश सरकार के राज में, मतलब कि क्राइम घटा है, उसके बाद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुए हैं, पढ़ाई में थोड़ा सुधार हुआ है, यही सब। बहुत ज्यादा बिहार में चेंजिंग हुई है हर चीज में, किसी भी लाइन में ऐसा नहीं है जिसमें। सबसे ज्यादा क्राइम में यहाँ चेंजिंग हुआ, लालू के राज में तो क्राइम बहुत ज्यादा थे, इधर क्राइम बहुत चेंजिंग हुआ। एजुकेशन भी बहुत चेंजिंग किया बिहार नीतीश में, रोड में कंस्ट्रक्शन में बहुत चेंजिंग हुए। हमारे समझ में बिहार बहुत बदला है, शायद जितना लालू के 15 साल नहीं हुआ, 4 साल में नीतीश कुमार ने कर दिखाया है उनको। जैसे या शिक्षा के क्षेत्र हो या क्राइम हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी क्षेत्र में मतलब बहुत सारे बदलाव किए हैं। यहाँ तक कि सड़क, ब्रिज का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जितना कहा जाए कम है नीतीश कुमार के बारे में। 4 साल में उनके जो मतलब जो बिहार को डेवलप किया है शायद ही कोई कर सकता है उनके। मेरे हिसाब से सिर्फ 5 साल में बिहार बहुत बदला, जैसे हर क्षेत्र में विकास हुआ, जैसे एजुकेशन हुआ, रोड हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है बिहार में। तो मेरे हिसाब से बहुत सारा बदलाव हो गया है, अप्रोक्स 75% बदल गया है बिहार। इसलिए कि पहले जो यहाँ पे था, जो भी मतलब पहले की सरकार थी, पहले की सरकार में यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम होता था, और आज के डेट में क्राइम करीब करीब बंद हो गया, 90% बंद हो गया है। और डेवलपमेंट तो बाकी देख रहे हैं, रोड की सारे बिहार में, उत्तर बिहार में जाइए बहुत सारी रोड बन चुके हैं, तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं सब अच्छे कंडीशन में हैं। बिहार पहले से बहुत बदला हुआ है, यहाँ तक कि शहर में पहले पुल नहीं बना हुआ था, अब जबकि नीतीश सरकार ने 8-9 पुल का शिलान्यास कर चुके हैं, इसलिए अब पहले से टॉप बिहार हो गया है। मगर बात यह है कि गरीबी यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, जो कि कभी भारत बंद कभी बिहार बंद, जिसके कारण गरीबी लोग कमाने खाने के नजुबा हो चुके हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध यही है कि गरीबों पर पूरा से पूरा ध्यान दें, और यहाँ तक कि स्कूलों में भी पढ़ाई के बारे में बहुत टूटी हो चुकी है। प्रिंसिपल से जो मेगा सूची में निकालते हैं, किन्हीं को एडमिशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण लड़का इधर से उधर भटकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक ही जगह अप्लाई होता है, जिसके कारण इधर उधर एडमिशन नहीं होता है, जिसके कारण बैठा रहता है। इसलिए इस पर भी सरकार ध्यान दे। एत सब गोटे के कहना छन जे बिहार पूर्ण रूपेण बदल रहा है, जे काज पिछला 15 साल में नहीं भेल वो काज नीतीश कुमार 5 साल में कह दिलक। आए हमरा दिया एत इजाजत, कल फिर भेंट है कोनो नव जगह पर किछ नव लोग के संग। नमस्कार, समाज पटना के अई अंक में एतबे, मुदा अहां के सुझाव और विचार के लेल हम बतबे ले चाहब अपन पता। अहूं बन सके छी अपन गाम नगर के समदिया, टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल हल अछि सीना जोरी, अहां के इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा सा शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाक नामक संग अहाक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। समाद सौभाग्य मिथिला टीवी, L2/2, 2 तल्ला, कृष्णा अपार्टमेंट के सामने, श्री कृष्णपुरी, पटना 8,01। दूरभाष 0612-257-0010। मोबाइल संख्या 9386-485202-9430-522-767। ईमेल आईडी saubhagyamithilatv.patna@gmail.com। बेस आप दिया आ गया, कल फिर उपस्थित है नव अंक में किछ नव समाचार, मुदा अहाँ बनल रहब सौभाग्य मिथिला संग आ 10 बजे देखब समाज समग्र। नमस्कार।